भाई कहीं आपने किसी अनजान के हाथ से लड्डू तो नहीं खाया है ना? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अरे अनजान आदमी के दिए हुए लड्डू खा के ही तो अजय देवगन की बेटी फंस गई ना। आप सोच रहे हो ये क्या अनाप-शनाप बकरा है? अरे नहीं भाई, ये कहानी है अजय देवगन की लेटेस्ट हॉरर मूवी शैतान की। जी हाँ दोस्तों, रिसेंट अजय देवगन और आर माधवन की हॉरर मूवी शैतान रिलीज हुई है और मूवी में दोनों का परफॉर्मेंस कमाल का है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अजय देवगन और आर माधवन की 5 टॉप हॉरर फिल्म के बारे में आपको बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं SBS। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है काल। इसकी कहानी एक जंगल के इर्द गिर्द घूमता है जहाँ एक मैन ईटर शेर है और कुछ लोग उस जंगल में अचानक लापता हो जाते हैं। तो उसी सिलसिले में एक जर्नलिस्ट और उसका दोस्त जंगल में आते हैं और उनकी मुलाकात कुछ और लोगों से होता है जो जंगल में शिकार खेलने आए हैं, लेकिन वो इस जंगल में फंस जाते हैं और उनको मिलता है काली, जिसे इस जंगल के बारे में सब कुछ पता है और वो कहता है कि वो इन लोगों को जंगल से निकलने में मदद करेगा। पर धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आता है कि काली कुछ सीधा इंसान नहीं है। कौन है ये काली? कैसे निकलेंगे ये लोग इस जंगल से? सोहम शाह के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में आपको नजर आएंगे विवेक ओबेरॉय, ईशा देओल, लाला दत्ता और जॉन अब्राहम, और काली की भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे अजय देवगन। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है तो YouTube पे आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, जाके देख लीजिए। इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 4.7। इसके बाद हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है निशब्दम। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो ये कहानी साक्षी और एंटनी की है जो वैकेशन से लौटने से पहले एक पेंटिंग को ढूंढते हुए एक हॉन्टेड हाउस में जा पहुंचता है और जहां एंटनी का मर्डर हो जाता है। और ये मर्डर ठीक उसी तरह होता है जिस तरह कई साल पहले उस घर की मालिक का मर्डर हुआ था और सबका मानना था कि वो मर्डर किसी आत्मा ने किया था। तो एंटनी का उस आत्मा से क्या दुश्मनी थी और वो आत्मा साक्षी को भी मारना चाहता था, लेकिन साक्षी किसी तरह से बच के निकलती है। तो भाई क्या राज है उस घर का और उस घर से साक्षी और एंटनी का क्या लेना देना है, जानने के लिए आपको निशब्दम देखना पड़ेगा। मूवी आपको Amazon प्राइम में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। फैंटेस्टिक मूवी है मैं बोल रहा हूँ आपको। हेमंत मधुकर के निर्देशन में इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे अनुष्का शेट्टी और आर माधवन। इस फिल्म को IMDb ने 4.4 रेटिंग दिया है, लेकिन आप उस पे ध्यान मत दीजिए, आप फिल्म देख लीजिए। इसके बाद जिस फिल्म के बारे में मैं बताऊंगा उसका नाम है शैतान। आर माधवन और अजय देवगन की अदाकारी इस फिल्म में जान डाल दिया है। विकास भेल का निर्देशन काफी अच्छा है, एडिटिंग फास्ट है, टाइट है और कहानी भी काफी अच्छा है। कहानी की अगर बात करें तो कबीर और ज्योति उनके बच्चे ध्रुव और जाह्नवी को लेकर छुट्टी काटने के लिए अपने फार्म हाउस के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वहां जाके उनके साथ क्या होने वाला है। क्या बोला? आपको भी पता नहीं है? अरे यार अभी जाइए और नेटफ्लिक्स पे फिल्म देख लीजिए। IMDb ने इस फिल्म को 6.8 रेटिंग दिया है, लेकिन ये मूवी इससे ज्यादा डिजर्व करता है। खासकर फिल्म के आखिर में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट है जो सही मायने में फिल्म को कंप्लीट करता है और साथ में पार्ट 2 बनाने का मौका भी देता है। आपको भी ये ट्विस्ट काफी अच्छा लगेगा, तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इसके बाद जिस फिल्म के बारे में मैं बताऊंगा उसका नाम है भूत। रामगोपाल वर्मा के निर्देशन में अजय देवगन और उर्मिला मातंडकर की ये फिल्म ज्यादातर लोगों ने देखी है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए, YouTube पे आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो मेरी पुरानी वीडियो में इस फिल्म के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं। आखिर में जिस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगा उसका नाम है 13B। भाई कमाल का फिल्म है ये। विक्रम कुमार के निर्देशन में इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाते हुए आपको नजर आएंगे आर माधवन। फिल्म आपको डिज्नी हॉटस्टार पे मिल जाएगा और इस फिल्म के बारे में भी मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
लेकिन अगर आपने ये फिल्म नहीं देखा है और आपको हॉरर फिल्म पसंद है तो इस फिल्म को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ऐसी हॉरर फिल्म आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जहां पे डर से ज्यादा सस्पेंस आपको आपकी सीट की एज पे बिठा के रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक ए वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।